लगभग इस जोड़े में। पर ज़रूरत क्या थी इतना महंगा जोड़ा लेने की? जी मेरा मकसद है कि मैंने सोचा हुआ था ना कि मैं ही शफक के लिए भी जोड़े लूंगी। अच्छा, मुझसे तो कभी जिक्र नहीं किया आपने। तहरीन, तुम्हें अगर ये पता चल जाए कि मैं किस वक्त क्या सोच रही हूँ तो जिंदगी आसान ना हो जाए। क्यों? बिल्कुल। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं अच्छा है ना? अच्छा। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि जैन इतनी सारी शॉपिंग करवा सकता है शफक को। मेरे लिए तो कभी ना कराई तुमने। क्या हो गया तहरीन, इतने तो तोहफे लेके देता तुम्हें। हाँ, पर इतने महंगे तो कभी नहीं दिलाए। कंजूस है ये बहुत। कौन भी सो सिली। अच्छा पप्पू मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। तुम्हें पता है उसकी मजाक की आदत है। तुम बैठो। तुम जी मैं जानता हूँ, अगर मुझे जल्दी ना होती तो इस मजाक का जवाब मैं जरूर देता। अच्छा चलो, खुदा हाफिज, जल्दी आना। खुदा हाफिज पप्पू, बाय बाय। क्या हो जाता है तुम्हें कभी कभी तहरीन? क्या जरूरत थी सब कुछ कहने की? वो जाहिर नहीं कर रहा लेकिन नाराज होके गया है वो। अम्मा प्लीज, जैन को इतना सीरियसली मत लें, ऐसे ही ड्रामे करता है। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं कैसा लगा ये जोड़ा? अच्छा है। ये तो शफक की खुशकिस्मती है। अम्मा कम ऑन, शफक के लिए ऐसे तो नहीं बोले। ऐसा क्या कह दिया मैंने? ठीक तो कह रही हूँ। मेरे ख्याल में एक दो पेशी के बाद ये केस निमट जाएगा और इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। फैसला हमारे हक में होना चाहिए क्योंकि हम उसूल की बात कर रहे हैं। फसलों का पानी तो उन लोगों ने रोका था हमारा, लेकिन फिर भी हमें ख्याल करना पड़ेगा कि उनसे मजीद कोई झगड़ा ना हो। भाई साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। देखिए नूरजहां इस घर की इज्जत है, वो शफक हमारी बेटी है, हमारा खून है। बस आप उनसे ऐसी कोई बात ना किया कि जिससे उनका दिल दुखे। नूरजहां ने तुम्हारे कान भी भर दिए। मैं यही सोच रहा था कि तुमने अब तक बात क्यों नहीं की। शफक मेरी बेटी के ससुराल में क्या क्या बातें कर रही है, तहरीम से क्या क्या कहा है उसने, और मैं चुप रहा हूं। वो दोनों ऐसी नहीं है जैसा आप उनको समझते हैं। पर एक अरसे से हम लोग साथ में रह रहे हैं। कोई एहसान नहीं किया नूरजहां, सिर्फ हमारी जायदाद में अपनी बेटी को हक दिलाने के लिए यहां टिकी हुई है, वरना कब की जा चुकी होती। ये लालच नहीं, उनका हक है। अकबर अली, तुम्हें नूरजहां में इतनी अच्छाइयां नजर आ रही है तो तुमने नूरजहां से शादी से इनकार क्यों किया था? मेरी शादी के इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं नूरजहां का बहुत एहसानमंद हूं कि सकीना के इंतकाल के बाद जिस तरह से उसने मेरे बेटे को पाला है कोई और औरत नहीं पाल सकती थी। जो चीज वो मन्नतों से हासिल नहीं कर सकी वो कुर्बतों से पाना चाह रही है।